हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रेजी स्ट्रीट बाइट। मेरा नाम है निखिल और आज आपको लेकर आया हूँ अजय चार्ट हाउस। देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे ही है और इनके पास चलते हैं। और वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी है इनके पास, बर्गर से लेके बहुत सी सारी चीज़ें हैं चाप से रिलेटेड, और इनके पास रोल्स भी होते हैं चाउमिन रोल्स। तो आइए ज़रा चलते हैं और पूछते हैं और लगवाते हैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग सा, और क्या क्या वैरायटीज़ है इनके पास बर्गर के अंदर, तो देखते हैं। हेलो भैया, मेरा नाम निखिल है सर। क्या क्या आइटम्स में लगाते हैं? मैंने तो देखा बर्गर वगैरह काफ़ी है, ये देखने में पता चला रोल्स वगैरह भी है, चाप वगैरह भी है। तो स्पेशल कुछ लगवाते हैं पहले, आप सबके लिए स्पेशल लगवाते हैं पहले कुछ। तो स्पेशल में क्या लगवाना चाहिए आपके हिसाब से? आप बर्गर खा सकते हैं स्पेशल, तो स्पेशल में बर्गर, चीज़ बर्गर है हाँ जी, और मेयोनीज बर्गर है हाँ जी, चाउमीन बर्गर है जी। आपके हिसाब से हमारे को जो बेस्ट लगता है वो क्या खाना चाहिए? चीज़ बर्गर खाना चाहिए। चीज़ बर्गर, चीज़ बर्गर भैया ने बताया है, पहले चीज़ बर्गर ही लगवा के देखते हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है खाने के अंदर। और भैया जो आप टिक्की बनाते हैं, ये मेरे को लग रहा है आप हमने अभी अभी बनाई है, फ्रेश है क्या? हाँ जी अभी बनाई है, ये फ्रेश ही होती है सर। फ्रेश ही होती है, अच्छा अच्छा, ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ जी, यही शॉप पे बनाते हैं, घर से बना के लाते हैं? नहीं नहीं, यही बनाते हैं सर। अच्छा अच्छा जी, यहीं पे बनाते हैं। तो आइए पहले एक बर्गर लगवा के ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको बताएंगे कि हमारे को क्या ट्राई करना चाहिए। हाँ तो आप अभी लगा रहे हैं भैया बर्गर की, तो आपको दिखाते हैं बर्गर बनता है कैसे है यहाँ पे, कैसी तरीके से हमने चीज़ बर्गर बोला है वो लगाते हुए दिखाते हैं आपको, बनते हुए दिखाते हैं। तो आइए, तो अभी हम कस्टमर फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं यहाँ पे काफ़ी मेरे को लोग दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। तो पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आप कितने टाइम से यहाँ पे शॉप पे आ रहे हैं? वन ईयर हो गया। वन ईयर हो गया आपको, क्या ट्राई करते हैं? सबसे ज़्यादा तो यहाँ के मुझे चीज़ बर्गर अच्छा लगता है, चाउमीन रोल, और यहाँ की इतनी वैरायटी है ना, मन करता है बस आओ और पूरी रेडी ख़त्म कर जाओ। अच्छा, तो आप मतलब वीक डेज में कितनी बार आ जाते हो यहाँ पे? वीक में थ्री और फोर टाइम्स। अभी कुछ लगवाया है, ट्राई करा है आपने यहाँ का भी? यस यस, चाप, सोया चाप जो बनाते हैं ये, हाँ जी, हाँ जी। इतनी मसालेदार होती है और चाप और क्रिस्पी, देखा। तो अभी नेक्स्ट नाम? राघव। राघव नाम है आपका। तो भैया कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो रोज ही आता हूँ। अच्छा, लोकल है आप यहाँ के? हाँ। तो क्या ट्राई करते हैं यहाँ पे आके? सबसे ज्यादा मैं रोल और चाप। चाप, वैसे बर्गर भी पर रोल और चाप ज्यादातर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे लगता खाने में? बहुत अच्छा भी होता है और क्रिस्पी भी होता है। अच्छा, टेस्टी होता है। यस। मेन बर्गर कौन सा खाते हो? मेन चाउमीन वाला। चाउमीन बर्गर खाते हैं? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे चाउमीन बर्गर खाते हैं। पीछे भी इनसे भी फीडबैक लेते हैं, इनसे पूछते हैं। मैम आप काफी देर से खड़े हुए देख रहा हूँ मैं तो आपको, तो आप क्या कुछ लेने आए हैं? हाँ जी, बर्गर लेने के लिए आई हूँ। हाँ जी, और बस वही पैक करा रहे हैं। कौन सा बर्गर? कौन सा बर्गर? मैं मेयोनीज बर्गर लेने आई हूँ भैया। मेयोनीज बर्गर, मेयोनीज क्या खाने में टेस्टी लगता है? हाँ जी टेस्टी है, बस वही घर लेके जाने हैं, इसलिए पैक करानी है। एक चीज पूछूंगा, आप घर लेके जा रहे हैं तो आप पहले भी ले जाते होंगे घर पे? पहले भी कहीं लेके, कई बार लेके? हाँ जी, हमारे गेस्ट आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ खुद के लिए या फेस्टिवल हो तो हम लेके जाते हैं। तो घर पे भी जाते हैं, क्रिस्पी रहता है इतना ही नहीं रह पाता? नहीं रहता है, वो अच्छे से पैक करके देते हैं। अच्छे से पैक करके देते हैं। तो ये देखा आपने यहाँ के थे कस्टमर फीडबैक, तो आई एम भी हमारा जो बर्गर है वो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं खाके। फर्स्ट बाइट लेके आपको दिखाता हूँ कि खाने में कितना टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो लग रहा है। ट्राई करते हैं इसको। काफ़ी क्रिस्पी है, ऑयल भैया ने बनाते टाइम ही एक पेपर या कॉटन क्लॉथ लेके रखते हैं जिससे वो सारा ऑयल जो होता है उसका निकल जाता है, ऑयल का इतना फ्लेवर आता ही नहीं है। और बाकी इसकी टेस्ट की बात रही तो मेयोनीज का फ्लेवर भर के आ रहा है, क्योंकि ऊपर ही जो इसके मेयोनीज डली हुई है, ऊपर मेयोनीज की लेयर है पूरी, और पनीर आप देख सकते हैं, और टमाटो पूरा, अनियन वगैरह सब चीज़ है, और नीचे ग्रीन सॉस भी है, और साथ में एक सॉस भी रखी हुई होती है, अगर आपको यूज आपका मन है तो आप डाल के सॉस के साथ भी खा सकते हैं और विदाउट सॉस भी खा सकते हैं। वैसे मेयोनीज बर्गर इसके अंदर ज़रूरत तो होती नहीं है, इसको पूरा ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और जो भी हम नेक्स्ट आइटम लगवाएंगे, जितने भी हम आइटम लगवाएंगे जो रेट बताएंगे सबके लास्ट में आपको बताएंगे, और टोटल अमाउंट हमारा कितना आया वो भी बताएंगे आपको। हाँ तो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो हम लगवाने जा रहे हैं, रोल होता है चाउमीन रोल। हाँ जी, चाउमीन रोल, चाउमीन रोल है ये, इसे लगवाते हैं और इसका टेस्ट भी आपको बताते हैं कैसा है।
जो प्राइस है वो हम आपसे लास्ट में आप मेरे को बता दीजिएगा, जो भी है तीनों चारों जो भी चीज़ें लगवाएंगे भी आपसे, तो ये प्राइस हम लास्ट में बताएंगे और ये भी लगाते हैं और आप देखिए कैसे बनता है, फिर रेड क्यू सर्व होगा, फिर हम आपको खाएंगे, फिर बताएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा रोल जो है रेडी हो चुका है। तो अंकल आप कुछ बता रहे थे मेरे को, मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो आप बताइए मेरे को जो चटनी है ये क्या बताया आपने इसके अंदर? वैसे हम जो रोल के साथ देते हैं चटनियाँ, हाँ जी हाँ जी, ये एक ग्रीन, हाँ, और ये स्पाइसी, हाँ जी हाँ जी, ये भी होममेड आपकी? हाँ जी हाँ जी, ये सारी होममेड, सारी हमारी होममेड है। और ये मेयोनीज, ये मेयोनीज, हाँ, जो साथ में देते हैं, हाँ जी हाँ जी, और ये स्पेशल चटनी, ज्यादा बंदा खास है हमारा तो हम उसको अपनी स्पेशल चटनी ये बना के देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अदरवाइज ये नहीं बनाते, ये बहुत कॉस्टली पड़ती है, ये कॉस्टली पड़ती है। इसमें ऐसा क्या होता है कुछ बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बस एक तो मेहनत ही ज्यादा है और ये रेसिपी तो हम वैसे किसी को नहीं बताते, क्योंकि हमने भी बहुत मुश्किल से रेसिपी ढूंढी है, ये भी आपने मेहनत से करा है, ये सब मेरी मिसेज बनाती है। और एक और बात बताना चाहूंगा आप सभी को, ये रोल है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं बने बनाए, लेकिन ये जो भैया बनाते हैं घर पे खुद बनाते हैं और फिर खुद आके यहाँ पे फ्राई करते हैं, फिर ऐसे करके सर्व करते हैं लोगों को और आप तक पहुँचाते हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं जो मेयोनीज है हमारे, मेयोनीज कह रहा है, ये जो रोल है हमारे सामने आ चुका है विद मेयोनीज और चटनी आप देख सकते हैं। और जैसे कि बीएन आपको बताया कि ये स्पेशल चटनी है, खुद बनाते हैं और इसकी रेसिपी ये बता नहीं सकते, तो इसको पहले स्पेशल चटनी ट्राई करते हैं कि क्या स्वाद है इसका। एक फ्रेश सा फ्लेवर है, काफ़ी फ्रेश सा फ्लेवर है, जैसे तो जैसे कुकुम्बर टाइप ऐसा कुछ डाल रखा है, मुझे आइडिया नहीं है ना ही इन्होंने मेरे को बताया। और बात करेंगे यहाँ के रोल की, होममेड रोल है और घर का बना हुआ एकदम और फ्रेश होता है, कभी भी आओ कभी भी खाओगे तो फ्रेश ही मिलेगा। देख सकते हैं हम रोल, एक देखने पे भी पता चल जाता है कि भाई खाने में कैसा होगा खाने में कैसा नहीं होगा। तो इसको पूरा ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और आपको फिर बताते हैं कि हम का नेक्स्ट आइटम हमारे को जो फाइनल आइटम आ रही है हमारे को क्या लगवानी चाहिए। तो पूरा ख़त्म करते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं, एक बार मेयोनीज के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ की जो आइटम है, कोई भी आइटम है, बर्गर से रिलेटेड, रोल से रिलेटेड या चाप से रिलेटेड, वो सारी जो आइटम है ना वो आपको वेज मिलेगी, सिर्फ वेज ही मिलेगा यहाँ पे, नॉन वेज कुछ नहीं मिलेगा। और आज ट्यूसडे है, आज हम खा रहे हैं और आज दो या एक दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी, उसको पूरा ख़त्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारी जो लास्ट और फाइनल डिश होगी शॉप की, तो वो होगी हमारी चाप, सोया चाप, सोया चाप, सोया चाप, तो लगवाते हैं और सोया चाप खा के ट्राई करते हैं। ये बनते हुए देखिए पहले आप कैसे बनती है, ये भी आप घर पे ही बनाते हैं जी ये? हाँ, सब सब ये तो, हाँ, चाप मतलब, तो मतलब चाप मार्केट से लेके आते हो गया? मसाला लगाते हैं, मसाला लगाते हैं, अपना खुद मैरिनेट करते हैं, बेसन वेसन लगता है क्या जी? हाँ जी सर, बेसन लगा, बेसन लगा हुआ है। तो देखते हैं और आप देखिए कैसे बनती है, उसके बाद हम ट्राई करते हैं इसको। जो हमारे सामने सोया चाप है वो आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लजीज सी लग रही है खाने में, देखने में, सॉरी, अभी खा के देखते हैं कैसे बताते हैं, देखते हैं कैसे लगती है खाने में। गाइस फ्लेवर है क्योंकि मिंट सॉस और आपका मेयोनीज, मेयोनीज भी वेज है, दो तरीके की मेयोनीज आती है उसमें, मेयोनीज भी वेज है और अनियंस है, जो कि इतना हाई रेट चल रहा है इनियंस का, आप देख सकते हैं कितनी महंगाई चल रही है आज की डेट में, फिर भी अंकल जी विद डाइनिंग कॉस्ट अनियन दे रखे हैं। कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, हमारे को खाने के लिए अनियन के बदले मूलियाँ देते हैं, देखी होगी आपने, प्याज के बदले मूली मिलती है। तो इसका पूरा ख़त्म करते हैं, देख सकते हैं पास से एक बार देख सकते हैं, मिंट सॉस, आपकी चिली सॉस,
और लास्ट वन इज मेयोनीज। स्वीट वाली जो मेयोनीज होती है उसका अलग ही टेक्सचर आ रहा है खाने में, और क्रिस्प जो भी है ना इसके ऊपर बेसन लगाया हुआ है, मैदा लगाया हुआ है जो भी है, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एक अलग ही फ्लेवर दे रहा है। मैं तो कहूँगा जो तीनों चीज़ें हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है। हमारा देखो हमारा ये होता है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी को कस्टमर आए, इतनी दूर से कस्टमर आता है ट्राई करता है और कल को क्या होता है, हाँ जी खाने के लिए जो टेस्ट जो हमने लगवाया वो तो चीज़ अच्छी नहीं थी, तो इससे हमारा नाम भी ख़राब होता है, सामने शॉप का नाम भी ख़राब होता है। तो हम ऐसी चीज़ आपको दिखाते ही नहीं है ना ही दिखाएंगे, इन फ्यूचर में भी कभी नहीं दिखाएंगे। तो आइए और आके ट्राई कीजिए, ज़रूर आइएगा एक बार इस शॉप पे। बाकी इस एड्रेस से लेके पूरा मैप कोशिश करेंगे लोकेशन मिल जाए आपको यहाँ की, और ट्राई करके आपको बताते हैं। अगर पहले आप मेरे को ये बताइए जो आप ये ऑयल यूज़ करते हैं कौन से यूज़ करते हैं? ये सर हम डालडा यूज़ करते हैं। डालडा यूज़ करते हैं, बाकी और जगह कहाँ क्या यूज़ होता है आपके हिसाब से? सर कोई पॉम यूज़ करता है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। हाँ जी, डालडा नुकसान नहीं करता है। डालडा नुकसान नहीं करता, गोटों की ग्रीस के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और टाइमिंग्स बताइए आपको यहाँ की टाइमिंग्स जो होती है। देखिए आगे अभी इस टाइम ये टिक्की बना रहे हैं, हम दिल वाली बनाते थे, दिल वाली टिक्की भी बना रहे हैं, देख लीजिए शुरुआत दिल वाली टिक्की से की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोगों ने कहा अभी ये तो मतलब अलग ही चीज़ है, दिल वाली टिक्की तो कोई यहाँ देता नहीं है। तो आप थोड़ी सी अपनी मतलब यहाँ की थोड़ी जर्नी बताइए कि कैसे क्या स्टार्ट करा, क्यों स्टार्ट करा, क्या वजह पड़ी, क्या हुआ था, थोड़ा हमारे को बताइए डिटेल में थोड़ा सा। सर जो मेरा मेन काम था सिक्स फ्लेवर गोलगप्पे का था। हाँ जी, मौसम के हिसाब से जैसे फ्लेवर गोलगप्पे। हाँ। क्या क्या गोल फ्लेवर कौन कौन से होते थे उसमें? उसमें फ्लेवर होते थे सर आम का। हाँ जी, गर्मियों में आम आता है। हाँ जी हाँ जी, आम का आ गया। हाँ, अमरूद आ गया। हाँ जी, और हींग तो मिलती है। हाँ, हाँ जी हाँ जी, और पुदीने का। हाँ जी, पुदीना तो मेन होता ही है सब। हाँ, पुदीना तो होता ही है। हाँ जी, पर हम उसमें ना कलर वगैरह कोई यूज नहीं करते। हाँ जी, हमारा जो भी है नेचुरल है। नेचुरल मतलब जैसे सीजन आया तो सीजन में जो फ्रूट आया या कुछ भी आया तो आपने उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से बना डाल दिया आपने। तो फिर अब उससे मतलब यहाँ पे ये चेंज ऐसा क्यों, ये सब मतलब बर्गर वगैरह गोलगप्पे क्या जर्नी रही है ये मेरे जानना चाहता हूँ, बताओ। उस लोगों ने कहा कि आप गोलगप्पे की जगह ना कुछ और भी लगाओ जी जो हम अच्छा टेस्ट कर सके। अच्छा, तो गोलगप्पे यहीं लगाते थे इसी जगह पे? हाँ, यहीं लगाते थे। अच्छा अच्छा, तो फिर हमने देख वो बंद करके ना गोलगप्पे। हाँ जी, क्योंकि लोगों ने कहा यार यहाँ 10 के गोलगप्पे खाते हैं लोग, 4-6 पानी पीते हैं। नहीं, वो हमारे को नुकसान होता था उस टाइम पे, इसलिए। हाँ, तो थोड़ा आप ये ठीक चल रहा है आपका हिसाब किताब? ये तो सबसे बढ़िया है जी। और ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये करीबन 1.5 साल हो गया सर इस काम को। 1.5 साल हो गया, डेढ़ साल हो गया आपको। तो मतलब कोरोना के बाद से या कोरोना के बाद से ही चालू किया है? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इसीलिए वो बंद कर दिए गोलगप्पे कि वो हाथ से खिलाने पड़ते थे, लोग अवॉइड करते थे। अवॉइड करते थे, तो उससे सारा काम बहुत काम खराब हुआ है कोरोना की वजह से, तो काफी काम खराब हुआ है, कईयों को तो काम बंद हो गए। तो लोग कहते ग्लव्स डालो, मैं कहा जी ग्लव्स डाल लेते हैं, ग्लव्स भी डाली है। हाँ जी, अभी भी डाल रखे हैं, डालते हैं, एक उतार के रखा हुआ है। हाँ, वो मसाले वसाले डालते होंगे उससे, वो काम नहीं होता ना, काम नहीं होता, लिफाफा खोलना है या कुछ पैसे देने हैं। तो कई बंदे कहते हैं जी आप लिफाफा उसी में हाथ लगा रहे हो, ये दूसरा ग्लव्स मैंने जेब में डाला। कोई बात नहीं, देखो ये आप हमारे व्यूअर्स को अपनी टाइमिंग बताइए यहाँ की, कितने बजे से कितने बजे? सर मतलब 3 बजे से लेके दिन में 3 बजे से लेके। हाँ जी, रात को 10 बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, ग्राहक आता रहता तो 10-11 भी बज जाते हैं। मतलब जैसे आते रहेंगे तो वो आप हम जैसे आप खाने वाले आते रहेंगे तो ये खिलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, ये है जी इनका। तो और देखो कैश तो सभी लेते हैं आज की डेट में, आप फोन पे पेटीएम वगैरह अवेलेबल है आपके यहाँ पे? हाँ जी सर, सब कुछ है, पेटीएम लेते हैं, गूगल पे, ये एयरटेल का बना रखा हमने। जी जी, ये फोन पे बनाया हुआ। हाँ जी, और वो एटीएम वो वाला है फोन पे, गूगल पे, एयरटेल वगैरह, एयरटेल वालों पे आप सब कुछ कर सकते हो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, फोन पे करो। हाँ जी, आप सब कुछ कर सकते हो। तो और जो हमने आपकी अब ये बताइए, जो हमने अब ये जो सारी चीज़ें ट्राई करी जैसे बर्गर था और ये सोयाबीन की जो चाप थी और ये रोल थे, तो एक एक करके आप प्राइस बताइए कि बर्गर का प्राइस कितना था आपके? हमारे बर्गर प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। हाँ जी, इसलिए लोगों को पता लगे। हाँ, पता तो चले लोगों को कितना इतने रीजनेबल में खिला रहे हैं हम। हाँ जी,
जो आपका चीज बर्गर हाँ, चलाने के लिए हाँ चीज बर्गर ओनली 30 रुपीज का, ओनली 30 रुपीज का चीज बर्गर, ओनली 30 रुपीज। और आपका ये जो रोल था, ये रोल ओनली 20 रुपीज, ओनली 20 रुपीज का रोल है, वो भी घर का बना हुआ, किसी बाहर से लाया हुआ नहीं, मतलब जैसे मार्केट में तो बनाए बनाए भी मिलते, बस लाके फ्राई कर लो और काम छुट्टी, उसके बाद ऐसा नहीं था कुछ, इन्होंने घर में बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर यहाँ पे आके पूरा तैयार करके फिर ऐसे सर्व करते हैं। और लास्ट जो आपके आइटम थी सोया चाप, सोया चाप उसका एक प्लेट वाइज होता होगा उसका तो? हाँ जी, उसका 50 रुपीज प्लेट है, फिर 50 रुपीज प्लेट है, और टू पीस होते हैं उसके अंदर विद मेयोनीज डली भी होती है उसमें, कई तरीके की केचप डली भी होती है, जैसे भी हम आपको दिखाए। और टाइमिंग मैम ने आपको बता दी है। और गाइस यही थी आज हमारे यहाँ की स्टोरी, भैया से रिलेटेड स्टोरी, के भैया की क्या कहानी रह चुकी है और भैया ने कैसे स्टार्ट करा अपना काम, और कैसे भी जारी है काम और जारी रहेगा। और आपसे अच्छा लगा भैया मिलके काफ़ी। और व्यूअर्स को अगर हम नंबर डाल देंगे इनका डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई चांस किसी को एड्रेस ना, गूगल पे पे गूगल फोन मतलब गूगल मैप पे है आपका अवेलेबल? नो नो नो, गूगल मैप पे अवेलेबल नहीं है, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल देंगे। एक बार एड्रेस बता दो यहाँ का क्या पड़ता है। हाँ जी, नियर बाई तो पड़ता है एम ब्लॉक गुरुद्वारा, एम ब्लॉक गुरुद्वारा। हाँ जी, और ये ब्लॉक है जी क्यू ब्लॉक, और ये और ब्लॉक R32 पटेल नगर। हाँ जी, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर। हाँ जी, ठीक है सर। तो ये थी यहाँ की कहानी, और देख सकते हैं आप कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भैया की, कि गोलगप्पों से उन्होंने बर्गर सब कुछ चालू करा और कहाँ तक ये पहुँचे। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। और गाइस एक लाइक भैया के लिए भी बनता है। आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है क्रेजी स्ट्रीट बाइक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।